आपके लिए 92 न्यूज लाया YouTube पर एंटरटेनमेंट, बेशुमार टॉक शोज और फेवरेट वीडियोस। अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम, रौफ क्लासरा, आमिर मतीन भी स्टूडियोस में हमारे साथ ही मौजूद हैं। प्रोग्राम के आगाज पर आपको बताएंगे कि एक धेले की करप्शन ना करने का दावा करने वाले शरीफ खानदान के खिलाफ अरबों रुपए की करप्शन साबित हो चुकी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर को सजा सुना दी गई। असासे भी जब्त, कैप्टन सफ्तर गिरफ्तारी के बाद अडियाला जेल भी मुंतकिल कर दिए गए। जुम्मे को नवाज शरीफ और मरियम नवाज की वतन वापसी पर गिरफ्तारी की तैयारियां भी जारी हैं। डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती नजर आती है। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि ताकतवर शरीफ खानदान के बाद अब जरदारी खानदान के गिर्द भी एहतसाब का घेरा तंग होता जा रहा है। हमारे ही प्रोग्राम मुकाबिल में 28 जून को आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 35 अरब रुपए के स्कैंडल की मुकम्मल तफसीलात मंजरेआम पर लाई गई थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार का बहुत बड़ा हुक्म आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर समेत 35 अफराद के नाम ECL में डालने का हुक्म भी दे दिया गया। मलिक रियाज के दामाद जैन मलिक, आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और अनवर मजीद समेत तमाम अफराद को जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी तलब कर लिया गया। प्रोग्राम मुकाबिल में ही MDPSO इमरानुल हक की तैनाती और फिर भारी तनख्वाह पर ब्रेक किए गए स्कैनल पर भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन एक्शन तैनाती और प्रोफाइल का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। प्रोग्राम के जब तीसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि मुजरिम नवाज शरीफ के समधी मफरूर मुलजिम इसाक डार को पाकिस्तान लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का किसी भी हद तक जाने का ऐलान। इसाक डार का पासपोर्ट मंसूख या रेड वारंट जारी करने पर भी गौर करेंगे। इसाक डार का पासपोर्ट कैंसिल करने के हवाले से अटॉर्नी जनरल और सेक्रेटरी दाखिला से भी जवाब तलब कर लिया गया। कुछ बात होगी डैम्स की तामीर से मुतालिक। भाषा और दयामेट डैम की तामीर का मामला हुकूमत की जानिब से गलत फहमियां फैलाने और स्टेट बैंक की जानिब से अदम तावुन पर चीफ जस्टिस शदीद बरहम हो गए। अखबारात की खबरें और इश्तिहार को देखें तो तासुर दिया जा रहा है कि यह फंड हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बनाया गया। कहा जा रहा है कि भाषा डैम की तामीर के लिए कपड़े और चप्पलें बेच देंगे। हमारे इकदाम से पहले कपड़े और चप्पलें क्यों नहीं बेचे गए? चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के निहायत अहम रिमार्क्स। मुकम्मल तफसील से बात करेंगे। आपकी तरफ से शुरू करूंगी आमिर साहब। कैप्टन सफदर को तो सजा सुना दी गई है, अडियाला जेल में मुंतकिल कर दिया गया। जुम्मे को कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ और मरियम साहब वापस आएंगे, बाकायदा ऐलान भी मरियम साहब ने कर दिया। क्या लग रहा है आपको कि यह भी एक स्पेकुलेशन है कि शायद तैयारी का रुख मोड़ दिया जाएगा? यह भी कहा जा रहा है कि नहीं, एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आइंदा आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती नजर आ रही है आपको? ये तो काफ़ी सारे स्पेकुलेशन है। स्पेकुलेशन क्या, एक खबर ये भी चल रही थी कि वहाँ से हेलीकॉप्टर में उनको लाहौर से इस्लामाबाद पिंडी अडियाला जेल में लाया जाएगा। बात यह है कि पहली बात यह है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं थी आने की। ये जो कहा जा रहा है कि जी उन्होंने बड़ी बहादुरी की है और बड़ा कमाल किया है, ना आने का मतलब ये था इंतखाबात भी ख़त्म, सियासत भी ख़त्म, जायदादें भी ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। और आजकल के दौर में अगर वो नहीं भी आते तो वो कवानीन ऐसे बन गए हैं इंटरनेशनल के, वो बड़ी फिर किसी मुल्क में भी रहना गैर कानूनी तौर पे मुश्किल हो जाता है। बेइज्जती भी बड़ी होती है और फिर बेइज्जती से लाया जाता है। जो इसाक डार फॉर एग्जांपल अगर नहीं आएंगे तो वो आप देखिएगा वो आ जाएंगे, उनको लाया जाएगा, बड़ी बेइज्जती के साथ लाया जाएगा। तो चॉइस नहीं थी, इसलिए भी वो आना चाहते थे कि उनके यहाँ एक एक, एक, एक ऐसा तबका भी है, एक दरबारियों का, चमचों का, कि वो ये वाकई समझ रहे हैं। और एक मजाक की बात लगती है मगर वो वाकई समझते हैं कि वो मियाँ नवाज शरीफ साहब को कोई 2/3 मेजोरिटी मिल जाएगी जिससे कि ये कवानीन भी बदल जाएंगे, ना अहलियत भी ख़त्म हो जाएगी और वो भी है, ना भी वो हो तो वो उनके लिए मेरा ख्याल इलेक्शन में हिस्सा लेना हर सूरत में ज़रूरी है। कि एक आपको याद होगा 2002 में उनके सिर्फ 14 लोग थे इलेक्ट हुए थे, मगर एक प्रेजेंस रही नून लीग की, नून लीग सर्वाइव कर गई। तो उसमें ये नहीं है कि ओवरनाइट नून लीग ख़त्म हो जाएगी, किसी ना किसी प्रेजेंस उस सेंस में वो रहेगी, काफ़ी अर्सा तक रहेगी। तो वो इसलिए आना तो ज़रूरी था। अब ये है कि उनके आने से फ़र्क क्या पड़ेगा? पहली बात तो ये क्लियर कर लें कि वो आ भी अगर जाएंगे
तो वो इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। ये नहीं होगा कि नवाज शरीफ साहब जो है ना जलसे करें और मरियम बीबी भी जलसे करें, ये मुमकिन नहीं लगता, बहुत ही कम इम्कानात हैं। उसकी वजह ये है कि आज 9 तारीख हो गई है और जुमे को आना है, 14 तारीख को उन्होंने आना है और 14 से 24 10 दिन टोटल कैंपेन के बचेंगे और वो आएंगे तो उसके बाद अव्वल तो उनको जो है जाहिर है सफदर साहब का जो ये ड्रामा उन्होंने किया पिंडी में 2-4 लोग इकट्ठे करके 2000-4000 जितने भी थे, उसके बाद ये है कि एस्टेब्लिशमेंट पे और केयर टेकर गवर्नमेंट पे प्रोविंशियल और फेडरल बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया कि जनाब ये क्या मजाक है, ये जान के अलाउ किया गया उनको वो है। इसकी वजह से अगर ये सरप्राइज रखते, ये सफदर वाला ड्रामा ना करते तो वहाँ कोई सरप्राइज पुल कर सकते थे। अब वहाँ पे ड्रामा करना बड़ा ही मुश्किल है कि वहाँ पे पहली बात तो यह है कि लाहौर एयरपोर्ट जो है, जो लोग लाहौर से नहीं है उनको बताना उनके लिए ज़रूरी है कि ये मलहक है, इसके साथ ही ये कैंटोनमेंट का एरिया है, DHA का एरिया है, बड़ी बड़ी कोठियाँ लगती है। एक तो वहाँ पे वो उस तरह के जहाँ क्राउड्स एग्जिस्ट करते हैं ना, कच्ची बादियाँ टाइप, वो वहाँ से करीब नहीं है। दूसरा ये कि क्योंकि कैंटोनमेंट है वहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं की जा सकती, तो वो एक मुश्किल काम है। फ़र्ज़ करें कि जो है ये फिर भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं किसी तरीके से, तो उसके अंदर प्रॉब्लम एक फंडामेंटल ये आ जाती है कि करना क्या है, बंदे इकट्ठे करके करना क्या है कि अगर ज़्यादा दरमियानी लेवल का कोई वायलेंस होगा तो उसका नतीजा क्या होगा, इलेक्शन मौखर हो जाएंगे, वो कहेंगे जनाब वायलेंस बड़ा हो गया तो इलेक्शन आगे कर दें। अगर बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल वायलेंस कर देते हैं, टूट फूट ये वो आउट ऑफ कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि मुश्किल नज़र आता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग जा चुके हुए हैं, हर कोई जान बचाता फिर रहा है। अभी जो एहतसाब अदालत में देखे ना, कोई आया ही नहीं था सिवाय वो करमानी साहब के, कोई फिर नहीं रहा था। लेट्स अज्यूम के सारे लोग आ जाते हैं, सारा पाकिस्तान इकट्ठा हो जाता है, बहुत ज़्यादा वायलेंस होती है, तो फिर वो खतरा होगा कि सिस्टम भी लपेटा जा सकता है ना, किधर ले जाना है। सो उनको विद इन द सिस्टम उनकी चॉइसेस बड़ी महदूद हैं, कैंपेन वो नहीं कर सकेंगी, वो इसलिए कि 10 दिन के अंदर जो उनका केस है, ये जब 10 साल 7 साल की कैद होती है तो ये अपील का प्रोसेस ये मिनिमम महीनों का है, हफ्ते दिनों का भी नहीं, महीनों का प्रोसेस है कि ये टेकअप की जाएगी। उसके लिए भी इनको शवाहद देने पड़ेंगे, इनको रसीदें देनी पड़ेंगी, कोई 7 और 10 साल की जब सज़ा होती है उसके लिए आप कोई ना कोई जो नहीं है। और कुछ लोगों को यहाँ गलत फहमी है कि जनाब ये वो हाई कोर्ट में जब जाएगा तो वहाँ कुछ और निज़ाम होगा, वहाँ कानून डिफरेंट होगा नैब, नहीं जनाब, नैब के अंदर भी यही कानून था कि बारे सबूत मियां नवाज शरीफ साहब पे था, हाई कोर्ट में भी जब ये जाएंगे तो इन्होंने ही साबित करना है। अभी इनकी कानूनी बात ये है कि ये एक ड्रामा कर रहे हैं, अरे एक अजीब लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है कि जी करप्शन नहीं थी, हमें करप्शन पे नहीं निकाला और जज ने खुद मान लिया, ये जिस तरह वो अकामिक वाली बात थी कि हमने तो पैसे नहीं लिए बैठे थे बाद में, हाँ वो गचनी और वही जानू जर्मन चीज़ ना कि लोग तो बेवकूफ़ हैं। बात यह है कि 9A5 के अंदर ये है कि जब आपके औकात से ज़्यादा असासे हों और आप ना बता सके ये कहाँ से आएँ, वो करप्शन ही होती है, उसके तहत उन्होंने निकाला है। और अभी ये ले फर्ज करें इनकी बात मान ली जाए कि 1993 से नहीं थी, खुद इन्होंने एडमिट 2006 से तो कर लिया कि 2006 में ये हमने खुद खरीदे थे। और इनकी प्ली ये है लास्ट बात कि ये अल अजीजिया सऊदी अरेबिया की जो बेची थी मिल, वहाँ से पैसे आए थे। सिर्फ ये बात याद करा दूं कि ये दो रेफरेंस अल अजीजिया और फ्लैगशिप भी 2-4 दिनों में आने वाला है, उसके अंदर इसको ये कहते हैं ना कॉरोबोरेटिंग एविडेंस के एक और मजीद शवाहद आ जाए कि जनाब अल अजीजिया बेच के कोई पैसे नहीं निकले थे, वो लॉस में गई थी, पैसे थे ही नहीं, पैसे थे सो ही नहीं, वो अगले केसेस में जो पैनमा का फैसला था उसके जो शवाहद इस केस में आए हैं, इन केसेस के अगले आ रहे हैं, अल अजीजिया में आ रहे हैं। लास्ट बात का सब देखिए, मैं ऐड करना चाह रहा था आपकी बात, एक तो ये वर्जन है ना कि पैसे वो जो हमने सऊदी अरेबिया से वो बेचे, उन्हीं से फ्लैट लिए थे लंदन गए, दूसरा उसके बाद कतरी लेटर आया था, लेटर वो जरा उसमें शामिल कर ले, लेटर के अंदर अजीजिया वगैरह डाला था ना, तो उन्होंने कहा वहां से कतरी लेटर के अंदर एग्जैक्टली यही किया गया था ना कि अजीजिया से पैसे आए, ये हुआ वो हुआ, कतरी लेटर से जब ये खरीद लिए गए तो फिर अजीजिया से पैसे, वो मिक्सचर है। कतरी लेटर का बाय द वे आप कोई जिक्र नहीं हो रहा, किसी किस्म का जिक्र नहीं है, तो वो भी हो जाएगा। दूसरा अगली लास्ट बात वो ये कि अभी अपनी हुकूमत के अंदर इनसे कुछ नहीं हो सका,
तो अगली केयर टेकर के बाद जिसकी भी आ रही है, अगर इनकी हुकूमत नहीं आती तो एक नहीं 44 केसेस खुलने हैं। ये केसेस नहीं होगा, खुद अभी भी खुलेगा, पता नहीं कौन कौन से, वो रिंग रोड भी खुलेगा, घर के बाहर सड़क भी खुलेगी, फलाना भी खुलेगा, फलाना भी खुलेगा, तो वो आगे तो वो इतना लंबा जाल है कि उससे नहीं बचा जाएगा। तो मुझे कोई भी सिनारियो ले लें, मियां नवाज शरीफ साहब की जिंदगी आइंदा आसान नहीं लगती, वो जो बड़े बड़े नारे कर रहे हैं, मजबूरी होती है सियासत में इस तरह के नारे लगाने पड़ते हैं, पर कोई भी सिनारियो ले लें तो उनके लिए कोई मुझे अच्छा सिनारियो नहीं नजर। ठीक है अखलास साहब, ये तो आमिर साहब ने बड़े पहलुओं से बड़ी तफसील से गुफ्तगू की, मगर 2007 की भी इन्होंने बात की और इससे मुतालिक कि बड़े लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। आपको लगता है कि इम्कान 2007 वाली सिचुएशन पर चले जाएंगे या वाकई लोग इकट्ठे हो जाएंगे एयरपोर्ट पर? 2007 वाले को तो मैं पहले भी बता चुका, मैं विटनेस हूँ कि ये 10 सितंबर 2007 को जो ये मशहूर ज़माना लंदन से फ़्लाइट आई थी, मैं था, अरशद शरीफ थे और भी कुछ हमारे उसमें अजहर जवेद थे हमारे दोस्त लंदन के, तो हम लोग थे, वो हमारी आंखों के सामने एक बंदा भी नहीं था वहाँ पे, वो चिड़िया पार भी नहीं मार रही थी सर, वही वाकई हुई वो चिड़िया पार नहीं मार रही थी, बल्कि जो आईजी पंजाब है इस वक्त ना कलीम इमाम, ये उस वक्त ये आपके आपके पासपोर्ट के या वो क्या कहते इमिग्रेशन के एयरपोर्ट के वो ये थे, ठीक है, सरबराह थे वहाँ पे एयरपोर्ट पे, और ये इनके आए थे, इनके मिन्नत तरले कर रहे थे कि हजूर अपने पासपोर्ट दे दें, हम आपकी यहाँ पे वो करवाएं, आपकी इमिग्रेशन करवाएं, क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट में जाके बताना है कि जनाब हमने इनको नहीं रोका आने से, क्योंकि आपको याद होगा इफ्तिखार चौधरी साहब ने कहा था कि इनको आने दिया जाए ख्वाजा आसिफ की पटिशन पे, तो मेरे सामने ही कलीम इमाम साहब जो हैं उन्होंने इनकी मिन्नतें भी की, इनको दो चार अपने सीनियर के उन्होंने आके रेफरेंसेस दिए, परवेज़ राठौर का भी मेरा ख्याल है कहा था, और सुने बाद में परवेज़ राठौर उनसे नाराज़ हुए थे कि यार तूने जाके मेरा क्यों कह दिया मियाँ साहब को, वो फौजियों को पता चल जाएगा तो मैं मारा जाऊँगा, इतनी वफादारी होती है, ये मेरे ये आमने ये मैं आपको आमने सामने की बातें बता रहा हूँ कि कलीम इमाम मौजूद आई जी जो हैं ये उस वक्त यहाँ पर एयरपोर्ट के आपके इमिग्रेशन के सरबराह थे, ये वहाँ दो घंटे मिनट तरला करते रहे मियाँ साहब को, चाय पिलाई, बिस्कुट खिलाए और इनकी सेवा की, और तमाम साफ ही मौजूद थे, इन्होंने पासपोर्ट नहीं दिए थे अपने, और सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गए थे जनाब कि उन्होंने हमें आने नहीं दिया, तो उस पर एक उन पर बनता था कि आप जब इमिग्रेशन ही नहीं करवा रहे तो आपको कैसे आने दिया जाए, इनके कैंप में क्या वहाँ पर खौफ था नवाज शरीफ साहब और इनके जो इनके क्रोनीस थे, उन्होंने जनाब कि अगर हमने इनको पासपोर्ट दे दिया, अब ये सारा ड्रामा हमारी आंखों के सामने हुआ है सर, मैं उसका विटनेस हूँ, आईनी शाहिद हूँ, हमने अगर दे दिए तो ये पासपोर्ट पर लगा के ना मोहरें ये वापस करके सुप्रीम कोर्ट को दिखा देंगे जनाब कि हमने तो इनको आने की इजाज़त दी थी, खुद ही जहाज़ पे बैठ के चले गए, ये 3 घंटे ड्रामा मैंने देखा हुआ एयरपोर्ट पे, और फिर बाद में लंबी कहानी, कमांडोज आए उन्होंने उठा के बाथरूम में इनको घसीट के नवाज शरीफ साहब को फेंका और फिर घसीट के ले गए उस पर बस पे और फिर जहाज़ पर जो आया हुआ था सऊदीज का, वो एक लंबी कहानी है। अब की दफ़ा 3-4 बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, हम कुछ को इंडोर्स नहीं कर रहे बल्कि हम उसकी एक तरह से मजम्मत होनी चाहिए कि लंदन में जो कुछ इनके साथ हो रहा है अब से नहीं हो रहा, पिछले एक साल से जब से पनामा आया है, आप बैरून मुल्क जदादें क्यों बनाते हैं, अपना पैसा क्यों रखते हैं, आपने अय्याशी करनी होती है, सुकून से रहना होता है कि क्या यहाँ पे कीड़े मकोड़ों के दरमियान हम रहते हैं, आराम से हम जाएंगे अजवे रोड पे, पार्क लेन पे, सबसे ज़्यादा खूबसूरत इलाके यही हैं, आप अजवे रोड पर जाएँ तो सबसे ज़्यादा अरबी जो है उन्होंने कब्जे किए हुए हैं, घर लिए हुए हैं, बल्कि रहमान मलिक साहब का भी वहीं पर फ्लैट है माशाल्लाह बहुत बड़ा जनाब, उसके बाद जनाब मुशरफ साहब ने भी जो 1 अरब बकौल उनके उनको तोहफा दिया था सऊदी बादशाह उनके लिया हुआ है वहाँ पर, इनका साथ वाले में इकट्ठे रहते हैं वैसे, अब इस मामले में जनरल मुशरफ नवाज शरीफ साहब एक हैं, वो अजवे रोड पे रहते हैं, ये वॉकिंग डिस्टेंस है, ये पार्क लेन में कहते हैं, इनकी रोजाना मुलाकात भी हो सकती है, सामने हाइड पार्क है दोनों के, अब इनका वहां रहना एक तरह से मुश्किल हो चुका है, जैसे आमिर ने कहा कि वो लीगली तौर पर भी वहां पर उनके लिए रहना मुश्किल हो जाएगा, सोशली तौर पर भी उनको वहां पर रोजाना कोई ना कोई पहुंचे होते हैं पाकिस्तानी, कोई किक्के मार रहे हैं तो कोई गालियां निकाल रहे हैं तो पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, जो मेरा ख्याल है इस तरह कि जब एक तरह से कानून उनके खिलाफ आ चुका है तो उसके बाद आपको इस तरह के काम नहीं करना चाहिए, बहरहाल ये जैसे भी है, अब नई हिकमत अमली आ रही है आमिर साहब, वो ये है कि अभी मैं उनका एक देख रहा ट्वीट देख रहा था कि इनकी अम्मा जी जो हैं इनकी नवाज शरीफ साहब की और इनकी वालदा की बात कर रहा हूँ, उनकी उम्र है 85 साल, अभी मैं ट्वीट देख रहा था तो उसमें उन्होंने कहा कि जनाब के उनकी वालदा साहिबा ने कहा है कि मैं अपने बेटे को लेने जाऊँगी एयरपोर्ट पर और किसी को गिरफ्तार नहीं करने दूँगी, अब सियासत इस तरीके पे आ रही है, तो मैंने उसका ना एक जवाब दिया, हमारी मैं बड़ी सख्त थी आमिर साहब, ये पाकिस्तान के लोगों के लिए बड़ी ज़रूरत है, हम किसी से घड़ी मांग के भी घर पर अगर पहन के चले जाते थे ना उस ज़माने, बड़ा आपको पता आज से ना 40-50 साल पहले बड़ी बात होती किसी के हाथ में घड़ी है या किसी को पेन कोई है कोई इस तरह की फैंसी चीज़, हमारी मैं डंडा उठा लेती थी कि ये कहाँ से ये किसने दी है, मुमकिन ही नहीं था कोई ऐसी चीज़ आप घर ले कर जाएँ जो घर के बंदे को ये हो कि इसकी नहीं है, बिल्कुल ठीक, आपने अगर अम्मा जी ने उस वक्त हमारी माओं की तरह उठाया होता डंडा और पूछा होता कि मेरे बच्चे मेरे बेटे मेरे पोते पोते हैं मुझे ये बताओ ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं ये प्रॉपर्टीज हम कहाँ से बना रहे हैं, आप तो ये कहते थे भुट्टू ने आपको तबाह करके रख दिया,
आपको जनरल मुशर्रफ ने तबाह करके रख दिया, आपको बेनजीर भुट्टो ने तबाह करके रख दिया, ये फिर कहाँ से हमने 50 फैक्ट्रीज भी बना ली हैं, हमने बरूने मुल्क अरबों डॉलर की जदादें भी ले रही हैं, हमारा बिजनेस डे बाई डे हमारा ऊपर भी जा रहा है, हम ये कह रहे हैं हम यहाँ बर्बाद भी हो रहे हैं। अगर अम्मा जी ने उस वक्त एक रिवायती उसकी गाँव की सख्त, हमारी मैं बड़ी सख्त गाँव वाले जो इस मामले में कोई रियायत नहीं होती थी, हमने कुटें खाई हुई हैं बहुत सारी उनसे, अगर उस वक्त उठाया होता डंडा, आज उनको एयरपोर्ट पे जाके अपने बेटे को गिरफ्तारी से ना बचाना पड़ता। पहला सवाल उनको अपने बच्चों से करना चाहिए था, बेटा जी मुझे ये हिसाब दें, आप इस मुल्क के बादशाह थे, आपको अल्लाह मियां ने बादशाह बनाया, लोगों ने बनाया, आपके पास ये पैसा कहाँ से आया, पूरी दुनिया आपके पीछे क्यों लग गई है, आपके पीछे अदालतें क्यों लग गई हैं, एक ही जवाब है आपके पास। अदालत में उन्होंने यही जवाब दिया ना, पूछा नवाशिफ साहब से कि ये कहां से पैसे आपके बेटों के पास, लेकिन मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पूछा अपने बेटों से, मैं पूछना भी नहीं है, वही मैं कह रहा हूं ना, अब इन्होंने नहीं 10 साल रहते रहे हैं, वो कह रहे हैं मैंने नहीं पूछा। अब ये देखें कि वो बेचारी 85 साल की उम्र, हमारी माओ की तरह मैं ये सांझी होती है, वो 85 साल की उम्र में रेमेंट से आएंगी बेटे को बचाने के लिए, अपने दोनों बेटे साथ लेके नहीं आ रहे, जो हट्टे कट्टे मेरी तरह के हट्टे कट्टे हैं, दोनों लेके आए ना, हसन हुसैन को लेके हैं, कहे जनाब के मुश्किल वक्त पड़ गए बेटा, आए जरा अपने बाप के साथ चले, वो नहीं आ रहे। पाकिस्तान के बच्चों को कहा जा रहा है, गरीब के बच्चे को, हर पार्टी करती है, गरीब के बच्चे को कहा जा रहा है जिसको दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल नहीं मिलती, जिनका निवाला आप छीन के बाहर ले गए, उनको कहा जा रहा है कि जनाब 14 जुलाई को आपने वोट को इज्जत देनी है, ना हसन ने आके ना वोट को इज्जत देनी है, ना हुसैन ने देनी है, ना समझ इसहाक डार ने देनी है, जान की बाजी लगा के एयरपोर्ट पे पहुंचना है, एयरपोर्ट पहुंचना, और अमर एक तरह का उस पर होता है, हम तो बात करते रहते हैं कि ये देखें कि आम आदमी को ये रियलाइजेशन ही नहीं हुई कि आपका पैसा था, आपकी मनी थी, ये टैक्स पेयर का पैसा था, ये पैसे इन्होंने कमीशन से खाए हैं, कमाए हैं, ये मुमकिन ही नहीं हो सकता कि आपके पास इतना ज़्यादा पैसा आए जिसको जस्टिफाई ना करें। जिन लोगों का पैसा लूटा है, जिनकी जेबों से निकाला है, उन्हीं को कहा जा रहा है कि तुमने आके हमारा दिफा करना, और वो आएंगे अल्लाह के फजल से, हम यहाँ पे आएंगे बहुत सारे लोग, आप देखेंगे हर MNA MPO को ये वह टास्क दे दिया गया कि आपने 20, 50, 100, 200 जितने लेके आएंगे, तो इसलिए इतना आसान काम नहीं है ना, आप कह सकते इस मुल्क में जो माफिया कंट्रोल कर रहे हैं हमें, उनको डिफीट करने का बिगिनिंग कह सकते हैं, मैं मजूसी वाली बात नहीं कहना, मैं करना चाह रहा, बिगिनिंग ज़रूर हुई है लेकिन एक लंबी बैटल है आमिर साहब, एक आपने बड़ा सदियों तक ये खिता गुलाम रहा है अपने, मैं ये बार बार क्यों बताता हूँ लोगों को नफसियात का थोड़ा पता चले हमारी का, कि हम सदियों तक बादशाहों के, राजों के, महाराजों के, ठाकरों के, जट्टों के, मलकों के, खानों के, हम यहाँ गुलाम रहे हैं। इतना आसान काम नहीं है कि एक फैसला आने के बाद लोग समझें कि ये करप्ट लोग हैं, इनसे दूर रहना है, इनका आपने वेलकम नहीं करना, लोग आएंगे और बड़े बड़े मैं देखता हूँ पढ़े लिखे लोग इनको सपोर्ट आपने ब्रेक तो नहीं ले लिया, अभी ब्रेक पे जाना है तो उसके बाद आएंगे कि शहबाज शरीफ फैक्टर क्या है। बिल्कुल, चलिए छोटे से ब्रेक के जाने बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू यहीं से बढ़ेगी, शहबाज शरीफ साहब से मुतालिक बात होगी, मगर इसके साथ साथ बात होगी प्रज्ञा मुकाबिल की भी, जिसके क्रेडिट में मजीद इजाफा हो गया, बहुत बड़े बड़े स्कैंडल्स ब्रेक किए गए, मजीद दो ऐसे स्कैंडल्स जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस ले लिया, मुकम्मल आपके साथ शेयर करेंगे, ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे, आप कुछ बात करेंगे शहबाज शरीफ फैक्टर के हवाले से। मैं ये जो तासुर दिया जा रहा है कि मरियम बीबी नवाज शरीफ साहब आएंगे तो बीबी की जिस तरह 86 वाली रैली थी और सारा पाकिस्तान इकट्ठा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा, ये इनको वहाँ से हर सूरत में वहाँ से उठाया जाएगा और जेल भिजवा दिया जाएगा। दूसरा ये है कि मूवमेंट्स बनती हैं जब आपकी पार्टी तो मुत्तहिद हो, या शहबाज शरीफ साहब तो उसके बिल्कुल मुखालिफ बयानियाँ बेच रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि जनाब हम बड़े अच्छे हैं, हमें माफ़ कर दें, हम आइंदा बड़ा बिहेव करेंगे, छोटा भाई हूँ ठीक है, बड़े भाई से गलतियाँ हुई हैं, मैं बड़ा अच्छा आदमी हूँ और मैं बिल्कुल बिहेव करूँगा, कोई खुदा का खौफ करें, मुझे कम अज़ कम छोड़ दें। वो आपस में जब घर में एक भाई ये बयानियाँ दे रहा हो, दूसरा दे रहा हो कि मैंने यहाँ पर मौला जट बन जाना है, तो वो मुनव्वर शरीफ और सुल्तान राई की जोड़ी चलती नहीं है, ये कॉम्बिनेशन नहीं चलता कि एक तरफ वो ललकारे मार रहे हैं और एक तरफ तरले कर रहे हैं, वो वाला मतलब मुस्तफा कुरैशी और ये सुल्तान राई चलता है, वही ना, वो फिर भी कॉम्बिनेशन है, एक जैसे दो कैरेक्टर हैं, हीरो विलन जो है, या तो मुनव्वर शरीफ और सुल्तान राई है, पहली बात। दूसरा
इन्होंने इनकी जो बेस्ट बेट है, बेस्ट केस सिनारियो ये है कि कुछ अरसे बाद अपील होगी और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हो जाएगा, जेल से बच जाएंगे। ये इतना आसान नहीं है, पहले तो ये है कि शवाहिद देने पड़ेंगे। दूसरा, ये एक केस नहीं है, लोग भूल जाते हैं, दो और रेफरेंसेज हैं। आज ख्वाजा आरिफ साहब ने कहा कि मुझे जज बशीर साहब पे एतबार नहीं है, तो ये बाकी दो अल अजीजिया और फ्लैगशिप के जो रेफरेंसेज हैं वो ये ना सुने, क्योंकि इसमें 10-10 साल सजा हुई है, उनमें भी मोस्ट लाइकली इसमें जो सजा है उसमें भी होगी 10-10-10-30 साल। एक में अगर फॉर एग्जांपल बहुत जो कि मुश्किल लगता है कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस यानी जेल ख़त्म कर देते हैं, अपील इनको बेल मिल जाती है, तो दूसरा तीसरा केस भी है, बाय दैट टाइम नई गवर्नमेंट आ चुकी होगी, वो प्रोसिक्यूशन जो है ना, जो अगर कोई कमज़ोर भी थी तो वो पीटीआई वाले अगर पावर में आ जाएं या कोई और आ जाए तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हालात में। तो आने वाले दिनों में इतना आसान नहीं है बेनजीर बनना, ये पता नहीं क्यों कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, क्लास अब आप कुछ कहना चाहेंगे, आगे बढ़ेंगे। मैं इस पे इसी के साथ थोड़ा सा आगे लेकर बढ़ते हैं, क्योंकि ये आने वाले ये दिनों में बड़े इश्यूज हैं, हम इनको फॉलो करते रहेंगे, लेकिन साथ में और भी बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनको भी हम कवर करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ये होगी करप्शन होगी, ये हमारा सबसे बड़ा मेन थीम रहा है। जैसे आमिर कहते हैं लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, आमिर साहब क्या और ऐसे ऐसे लतीफे घड़े जाते हैं, क्योंकि दुनिया इन्होंने जिंदगी भर में ना कभी रिपोर्टिंग इन्होंने की थी, ना कोई स्कैंडल ब्रेक किया था, ना अदालतों में जाकर उन स्कैंडल्स को इन्होंने डिफेंड किया था, लिहाजा वो आप कह सकते हैं मजाक करना अफोर्ड कर सकते थे हमारे ऊपर। अब चीज़ें उसी तरफ चल पड़ी हैं सारी, क्योंकि हम यही कहते थे जो लोगों को समझ नहीं आती थी कि आपका पैसा जो यहाँ पर आप कह सकते हैं आप 10 लाख लोगों की आके उन पर लगना था वेलफेयर पर, वो 2-4 लोग लूट के ले गए, ये लोगों को समझ नहीं आती थी। अब दुबई की प्रॉपर्टीज जो है आम आदमी को समझ नहीं, वो कहते हमारा पैसे नहीं हो भाई, मेरे ये पैसा यहीं से लेके, मैं कहता हूँ लीगली पैसा भी था अगर उनका तो पाकिस्तान को टैक्स ना दे के यहाँ से टैक्स उन्होंने चोरी किए, जिसकी वजह से आप पे टैक्सेस का बोझ बढ़ रहा है, पेट्रोल के बढ़ रहे हैं, डॉलर बढ़ रहा है, दीगर कीमतें बढ़ रही है, क्योंकि उन्होंने टैक्सेस नहीं पे किए। आजकल देख लें सुप्रीम कोर्ट ने आके इनको टेकअप किया हुआ है, मेरे मेरी मतलब उनको पता हमारा उनके साथ रोमांस भी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ, लेकिन बात चीज़ें मुझे थोड़ी सी कंफ्यूज करती हैं कि जहां से पैसा आ सकता है डैम्स के लिए उस साइड पे नहीं जा रहे, आप उस कौम से मांग रहे हैं, कौम देगी? ये तो बेचारे हर दौर में ये तैयार रहते हैं कि जी हमारी खाल भी उतार रहे हैं इस मुल्क की मोहब्बत में, लेकिन जो मगरमच्छ यहाँ से लूट गए हैं या लूट रहे हैं को उन पे भी हाथ डलेगा नहीं डलेगा? 250 बिलियन रुपीज़ के लोन राइट ऑफ हुए हैं आमिर साहब जी, उनसे लेन आपने कहा था हम उनसे निकलवाएं कि निकलवाएं, आप जो एक आम आदमी बेचारे को कह रहे हैं 100 रुपया दो, 200 दो, डैम 100-200 से नहीं बनते, आप आवाम से कितना इकट्ठा कर लेंगे? 5 अरब 10 अरब, मैं कहता हूँ 20 अरब, ये 20 अरब से डैम बनते हैं आपका ख्याल है आमिर साहब? लोग टैक्सेस देते रहे हैं, यहाँ आपको याद होगा पाक ईरान गैस बननी थी, आज का टैक्स दे रहे हैं अभी तक, ये आके उसने लगाया था डॉक्टर आसिम हुसैन ने लगाया था आपके सुई गैस में बिल, बिलियंस ऑफ रुपीज वो खा के आपकी सुई गैस, उनसे पूछे वो टैक्स किधर गया, क्योंकि आपकी पाइपलाइन तो बनी नहीं है। नीलम जेलम आमिर साहब ये यहाँ से शुरू हुआ था 20 अरब से शुरू हुआ था और उसके बाद 270 अरब पे गया, अब वो 450 बिलियन पे गया है, अब कितने पैसे कौम से इकट्ठे कर लेंगे? चीफ जस्टिस साहब ये लोन वाले उसमें उन्होंने कहा है कि हम ये जो पैसे इसमें से इकट्ठे करेंगे वो उधर देंगे। मैं आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ, अब आपको 3-4 बड़े काम करने चाहिए चीफ जस्टिस साहब को, एक तो सऊदी मॉडल है सर, आप इसके बगैर पैसे नहीं इकट्ठे कर सकते, कोई दुनिया ने रोला नहीं डाला, उन्होंने यूं करके रख के उनका पैसे निकाले 100 बिलियन डॉलर साहब ने दिए, ये जो बड़े बड़े बिग गन्स आपके पास आते हैं, मतलब मलिक रियाज साहब आ गए थे उनको 5 अरब आपने लेके छोड़ दे, 5 अरब देखो छलांगे मार रहे कि ट्रिलियन का दो प्लॉटों की कीमत है, दो की नहीं। हालांकि अदालत ने खुद तफ्तीश करके कहा था कि जनाब वो कहें उनको बड़ी बसद एहतराम, हमें बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है कि उनको इन्होंने बेल आउट किया है, वो बड़े खुश हैं, वो खुश हैं। उसके बाद यहाँ दुबई प्रॉपर्टीज का सर आपने उनको कुछ नहीं किया सर, इसके बाद ऑफशोर कंपनीज जो हैं वो आपके सामने वो रहेगी, सबसे बड़ा जो केस वहाँ से सेटल हुआ है सर दुख के साथ, यहाँ पे आपने हजारों की तादाद में सैकड़ों की तादाद में हमने डुअल नेशनल आपने आके आइडेंटिफाई किया, उनको बुलाया ना जरा कि आपके सोर्सेज ऑफ इनकम क्या हैं, आप पैसा कहाँ से कमा रहे हैं, कैसे अपनी फैमिलीज को बहरा फंड कर रहे हैं, आपको यहाँ से जो बिग गन्स हैं इनको पकड़ना चाहिए, उनसे पैसा निकलवाएं सऊदी मॉडल पे। आप कह रहे हैं लोगों को हमें डैम के लिए 100-100 रुपया देंगे, जी हम जरूर देंगे, ये 100-200 से काम होने वाले नहीं है, बिलियंस ऑफ रुपीज आपको चाहिए इसके लिए, ये जो बिग फिश जो खा पी गई हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लोगों पर आके उनके जेबों पर डाका मारा है, उनसे निकलवाने की बजाय आम आदमी को कह रहे हैं वो देंगे। मैं फिर कह रहा हूँ जनाब कौन तो अभी देख लें, हमने ये स्टोरी की थी आमिर साहब यहाँ पे, ये PSO से आए थे $272,000, ये चीफ जस्टिस साहब के लिए अलार्मिंग चीज़ होनी चाहिए कि लोगों से आप क्या मांग रहे हैं, $272,000 ये डील दी थी यहाँ पे आके शायद ककान अब्बासी ने एंग्रो को, कराची के दाऊद जो सेठ हैं, डेली 15 साल तक
वो स्कैंडल है जो नैब के पास पड़ा हुआ है, उसको डील जो इन्होंने दी थी, दिलवाने वाले कौन थे, उनके पीएसओ के आजकल एमडी लगे हैं जो एंग्रो के सीईओ थे, $272,000 हम उनको रोजाना दे रहे हैं, बेशक फ्लोटिंग सिंगल बिट पे अपनी मर्जी की प्राइसेस लगाई उन्होंने, $272,000 ये कहना आसान है, लोगों को कहते हैं हमें डैम के लिए वो दें, लोग तो देंगे, और जिन्होंने $272,000 की डील दे दी एंग्रो को, कराची का सेठ दो पकड़े नजर आए, उनको अदालत में बुलाएंगे हजूर कैसे, आपको इस वक्त बिल आपको मैं पूरी कैलकुलेशन दूंगा, मेरे साथ 3 साल हो गए रोजाना बड़ा काम कर रहे हैं पर मैं इसके आइंदा दिनों में बड़ा काम करेंगे, रोजाना का उनको 3 करोड़ रुपया दे रहे हैं आप एंग्रो को, बेशक उनका उनका फ्लोटिंग टर्मिनल इस्तेमाल हो या ना हो, अब तक उनको 30-40 बिलियन रुपीस की पेमेंट हमारी जेब से हो चुकी है, आप लोगों को ये जरा थोड़ा सा सुनाएं हमने क्या बताया था, अब उन्होंने उस पर एक्शन लिया है, चीफ जस्टिस साहब ने, एमडी पीएसओ जो है ये एंग्रो के चीफ थे इमरान उलहक, हमने इनके बारे में क्या इनका सैलरी पैकेज तो जरा सुने जो आज ये लास्ट तो हमने एक्सपोज किया था क्लास साहब के, ये पहले एंग्रो के अंदर थे, बाद में पीएसओ जो उसके ऊपर मॉनिटरिंग कंपनी है उसके अंदर लग गए, जरा ये सुनवाएं जरा जी कौम को कि ये क्या कुछ ले रहे हैं, बिल्कुल ये 23 अगस्त 2017 का प्रोग्राम मुकाबिल है, क्या कहा गया था, क्या कुछ यहाँ पे इंकशाफात किए गए थे इमरान उल हक की तनख्वाह दीगर मराज से मुतालिक, सुनिए पीएसओ की सुन लें, जो बैंक रैप्ट रहता है जिसके पास पैसे नहीं होते पेमेंट्स करने के लिए, वो आपके सामने बहुत बड़ा क्राइसिस आया था जिस पे इनकी इनकी शायद खकान अब्बासी साहब की साहब डार साहब की लड़ाई हो गई थी कि पीएसओ को पैसे रिलीज नहीं कर रहे थे, वो आके कंपनी ऑयल कंपनीज को दे नहीं पा रहे थे जिससे पूरी शॉर्टेज हुई थी लास्ट 2 साल पहले, इनके एमडी साहब थे यहाँ पे इमरान उल हक साहब, सर इमरान उल हक साहब की सैलरी पैकेज जरा सुनते जाएं और सर धुनते जाएं और जरा अपने दिल पे हाथ रखिएगा, इस मुल्क की इलीट क्या क्या अपने लिए पैकेजेस क्या लेते हैं, कोई पीएसओ चला आ रहे हैं, कोई इतनी सैलरी तो आपके यूएसए प्रेसिडेंट नहीं सोच सकता, दुनिया का कोई बड़े से बड़ा मुल्क हो कोई कंपनी हो, सुनिए जरा, और ये सरकार ये है, ये मतलब पीएसओ सरकार की है, उनकी बेसिक सैलरी पर मंथ जो है इमरान उल हक साहब की 20 लाख रुपए है सर, हाउस रेंट उनका 9 लाख रुपए है सर, उनका स्पेशल अलाउंस पता नहीं ये क्या चीज है 2 लाख रुपए है सर, यूटिलिटी अलाउंसेज आपको तो मुझे बिजली का बिल देने पड़ते हैं ना, उनको देने की जरूरत नहीं है, वो 2 लाख रुपए है कि ये बिजली गैस ये है 2 लाख, हर वक्त 24 घंटे भी चले 2 लाख रुपए बिल फिर भी नहीं बनता, खैर जनरल अलाउंस सुनते हैं, हाउस रेंट अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, यूटिलिटी अलाउंस, फिर जनरल अलाउंस वो 4 लाख रुपए का है, तो टोटल ग्रास उन्होंने कर दिए ग्रास वो 37 लाख रुपए इन्होंने कर दिए, और फिर कहते हैं कि जनाब कि अगर इन्होंने कोई लीव लेनी होगी 20% ऑफ एनुअल बोनस इनकी सैलरी और बोनस बोनस में उन्होंने फरमाया कि जनाब कि जो उनका बोर्ड ऑफ वो है उनका डायरेक्टर या गवर्नर होता है वो जो फैसला कर दे गरीब को उसको जो दे दें वो ले लेंगे, हम उस पर एतराज़ नहीं करेंगे, आगे सुनते हैं सर, 2 ड्राइवर मिले हैं सर जो कंपनी देगी वो इनको कंपनी इनको आके इनको सारा कुछ करेगी और प्लस इनका टेलीफोन इंटरनेट चलो ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं उनका, फिर उनको आम सिक्योरिटी उनको देगी वो भी कंपनी देगी, फिर ग्रेजुटी है सर उनको 1 मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस, ये ग्रेजुटी ले रहे थे सर, इसके बाद कंट्रैक्ट उनका टेन्योर 3 साल का था और अगर इनका कंट्रैक्ट उन्होंने ख़त्म किया तो वो कहते हैं 3 महीने की सैलरी जो तकरीबन आपको मैंने बताई है 1.5-2 करोड़ रुपया वो लेंगे, एक लंबी डिटेल है आमिर साहब उस कंपनी के एमडी की बता रहा हूं जिसकी बैंकरप्सी दिवालियापन की कहानी, इसमें बड़े स्कैंडल है पीएसओ पे, मेरे कुछ एक दो सोर्सेज हैं मुझे बार बार कहते रहते किसी वक्त हम उसमें करेंगे, आप जरा एक मिनिस्टर साहब की कार्रवाई सुन ले आमिर साहब चलते चलते, तो बहुत बड़ा स्कैंडल है 35 अरब रुपए के बड़े स्कैंडल से मुताबिक जो कि जरदारी साहब से रिलेट करता है, इससे मुताबिक भी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, ब्रेकिंग है हमारे साथ रहिए। के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको वेलकम करेंगे एमडी पीएसओ से मुतालिक बात, मैं वही कह रहा था अमर साहब इससे पहले हम जरा थोड़ा सा उस जरदारी साहब पे जाते हैं कि आपने एक तरफ इतने बड़े ये जहन में रखे एंग्रो में थे जिनको $272,000 की जिन्होंने डील करवाई, ये उनके कराची के जो आपके दोस्त सेठ हैं उनके मुलाजिम थे इमरान उल हक, ये कोई सरकारी अफसर नहीं है, वहाँ से उठाया खकान अब्बासी ने उठा के एमडी पीएसओ लगा के उन्होंने उनको आके 60-70 लाख रुपए का पैकेज दे दिया, ऐसे पंजाब में किया सर इन्होंने, अपने जितने इनके लॉयलिस्ट थे जो यहाँ पे 17,000 रुपए के भी ये काबिल नहीं था उनको आपने 15-15, 20-20 लाख रुपए सैलरी दे दी, जरा मंगवाएं तो सही डिटेल कि किस किस अफसर को आपने कितने पैसे दिए, आप आवाम का उसमें जाके कहते हैं आवाम कुर्बानियां दे हर दफा, टैक्स भी हम दें, पेट्रोल पर भी दें, कार्ड्स पर भी दें, GST भी दें, हर शे हम दें और हमारा पैसा इकट्ठा करके इमरान उल हक जैसे या जो आपने 60 कंपनीज के उनसे पैसे मंगवाने थे, आप थोड़ा सा आवाम पर मेहरबानी करें, इसका लहू हमेशा चूसा किया है, आवाम हमेशा कुर्बानी के लिए तैयार रहती है, ये थोड़ा सा रुख जो है ना ये डुअल नेशनल की तरफ करें
रहे हैं, उनके सोर्स अमीन के, या पूछें जरा ये जो आप जाए ना मार्गला रोड से जरा एक गाड़ी लेके जाए ना जिन्होंने यहाँ पे बड़ी बड़ी आके 20-30 करोड़ की कोठियां बनाई हुई हैं, कि पैसा कहाँ से है आपसे, जरा उनसे पैसा निकलवाए। हर दफा जो रुख जो है ना आमिर साहब वो गरीब की तरफ देता है, कौम देगी जो 70-80% ऑलरेडी इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में देता है। ये अब तक 40 बिलियन रुपीस कराची के दाऊद सेठ ले चुके हैं एलएनजी डील में, फ्लोटिंग टर्मिनल इस्तेमाल भी नहीं होता हफ्ते हफ्तों, जिस दिन इस्तेमाल ना हो उस दिन भी हमें 3 करोड़ रुपया कैश देना पड़ता है। एक तरफ आपने एंग्रो को यहां पे 3 करोड़ रुपया डेली कैश दे रहे हैं, कराची के दाऊदों की जेबें भर रहे हैं, दूसरी तरफ कौम को कहा जा रहा है पैसे दें। एक साइड से पैसा कौम से लेते हैं, दूसरी साइड से आपके बड़े बिग गन्स खा जाते हैं। ये बरूने मुल्क ये फॉरेन करेंसी अकाउंट सर डंप हो गया सर, आपकी प्रॉपर्टीज वाला स्कैंडल था आपका ना दुबई वाला वो डंप हुआ है सर, डुअल नेशन वाला डंप हुआ है, आपके लोन जिन्होंने राइट ऑफ करें, मतलब 1 अरब रुपया तो फहमीदा मिर्जा साहब ने देना है, वही उनसे तो पैसे निकलवाएं, उसके बाद आवाम की तरफ जरूर जाएं, हम भी देंगे पैसे जो हमारी औकात औकात से बढ़ के देने की कोशिश करेंगे। अभी यही देख लें हमें सब, थोड़ी सी आजकल जो उस पर आई है एक नया स्कैंडल है जरदारी साहब का जो आया है, हम ये स्कैंडल ऑलरेडी आपको पता होगा हम ब्रेक कर चुके हैं 35 अरब या बिग मनी, हम कोई क्रेडिट के लिए नहीं कर रहे कि उसको करने के लिए, रिमाइंड करवाने के लिए कि जिस वक्त इस वक्त जरदारी साहब का नाम लेने में बड़े बड़े ग्रुप जो आजकल क्रेडिट ले रहे हैं ना, इनको जरूरत नहीं होती थी आसिफ अली जरदारी का नाम लेने की, अनवर मजीद की, ये जो आजकल बड़े क्रेडिट ले रहे हैं जी हमने ब्रेक किया तो हमने फलां के, किसने 2 जुलाई को किया तो किसने 6 को किया, हमने 28 जून को पूरा कंप्रिहेंसिव सिर्फ आपको एक चंक दिखा रहे हैं विदाउट इफ्स एंड बट्स विदाउट एडिटिंग, हमने आपको यहाँ पे स्टोरी ब्रेक की थी कि 35 बिलियन रुपीस का 29 जो अकाउंट्स हैं ये कैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और किस तरह की, जरा वो थोड़ा सा गौर से देखिए, गौर से देखें क्योंकि ये आइंदा के इलेक्शन और सियासत इस स्टोरी के इर्द गिर्द ही है। ये हमने ब्रेक की थी आपके सामने पूरी इफ्स एंड बट्स के बगैर, बगैर सेंसरशिप, बगैर उसके एडिटिंग के, ये जरा सुने और तफसील जाने के ये स्कैंडल का बैकग्राउंड क्या है। जी पड़ी साहब जरा दिखाइए। कल रात जैन मलिक साहब जो है ना सर ये दुबई से आए हैं, ये फ्लाइट नंबर थी जनाब, ये दामाद है मलिक रियाज साहब, मलिक रियाज साहब के दामाद हैं, जरा कौम को अगर उनकी तस्वीर भी दिखाएं सर उनकी जरा, ये आए हैं दुबई से, ये फ्लाइट नंबर इनका था EK622, लाहौर एयरपोर्ट पे रात उतरे हैं सर, इनको FIU ने 4 घंटे के लिए डिटेन किया वहां पे एयरपोर्ट पे और कहा कि जनाब आप इल्जाम हैं कि आपने इन बैंक अकाउंट्स में आपने कैश डिपॉजिट करवाए हैं बैरा टाउन की वजह से, आप जरा आए हमें डिटेल बताएं कि इस बैंक में फलां फलां बैंक अकाउंट्स में आपने पैसे जो है कैसे किए। अब तक ये अवॉइड कर रहे थे, अनवर मजीद साहब भी अवॉइड कर रहे थे, कुछ और 2-4 बड़े लोग हैं वो भी अवॉइड कर रहे थे, सो 4 घंटे उनको रात वहां लाहौर एयरपोर्ट पर डिटेन किया गया, फिर उसके बाद FIU किसके दबाव में है, ये इतना टाइम लगता ना एक FIU को फोन ही जाना होता है, औकात इतनी है, बातें करवा लें FIU वालों से, ये नहीं किया कि हजूर उसको पकड़ के गिरफ्तार करके आप लेके जाएं और उससे बकायदा जो बयान हैं चीजें करें, अगर अब तक पेश नहीं हो रहा 2015 से चल रही है, सो अब उन्होंने गारंटी दिया जी मैं FIU के सामने पेश हूंगा और मैं आपको यहां पे वो करूंगा। हुआ आमिर साहब ये है जो इसकी मजे की चीजें हैं, इन्होंने जो फर्जी अकाउंट, अब रिपोर्ट क्या कहती है कि सिंध हुकूमत ने जो जमीन फरोख्त की है ना सर दी है आगे उससे जो रिश्वत मिली है वो इन अकाउंट्स में डिपॉजिट करवाई गई है और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले ये मुबैना तौर पर जैली अकाउंट से ओमनी ग्रुप इनको चला रहा था, FIU की रिपोर्ट जो उसमें तहकीकात आ रही है और जैली अकाउंट्स में बैरा टाउन और अनवर मजीद की जानब से भी बहुत सारा पैसा जो है जमा भी हुआ है और वहां से निकाला भी किया है और तारक सुल्तान जो है A1 इंटरनेशनल के उनके अकाउंट्स हैं उन पर पैसा इन्होंने किया है, तकरीबन 4.5 बिलियन रुपीज जो है तारक सुल्तान के नाम पे इन्होंने ट्रांसफर किया है, मुंतकिल किया, तारक सुल्तान कहते हैं जैली काम है मेरा ये नहीं है। अब उसके बाद बैरा टाउन की जानिब से बैरा टाउन कराची इन्होंने तारक सुल्तान के नाम पे जैली अकाउंट्स में 2 अरब 25 करोड़ जमा करवाए जिनको 5 अरब रुपया दे के सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया है। जरा हेडर्स दिखाएं यहाँ पे ये प्रोड्यूसर साहब लोगों को पढ़ने दें, इसकी डिटेल दें जरा, इसकी हेडर्स दें जरा इसकी इंक्वायरी की। तारक सुल्तान साहब एक अकाउंट में बैरा टाउन ने 2.5 अरब जमा करवा दिया, उन्होंने 5 अरब दे के सुप्रीम कोर्ट ने जवाब बचा, राम भली करेगा मजे करें आप। और तारक सुल्तान के जिस अकाउंट में बैरा टाउन ने 75 करोड़ और जमा करवाए और बड़े जरदारी साहब पे इल्जाम आ रहे हैं, उसमें बताया गया कि जरदारी ग्रुप को कितने इसमें पैसे मिले हैं, एक ग्रुप जमा करवा रहा था पैसों का आमिर साहब, वो अलहदा लिस्ट है उनकी, वो डिपॉजिट करवा रहे थे और वहां से फर्दर पैसे किसी और को जा रहे थे, मसलन तारक सुल्तान के जैली अकाउंट थे लॉजिस्टिक ट्रेडिंग है उसको 14.5 करोड़ जा रहे थे, इकबाल मेटल्स हैं उनको 85 करोड़ जा रहे थे, ये तारक सुल्तान के अकाउंट यूज हो रहे हैं, उसको उमेर यहां उसे आपका एसोसिएट से उनको 80 करोड़ जा रहे हैं। सो ये जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है FIU को मिली थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट की जानब से कि फलां बैंक में यहां पे ये सस्पेक्टेड किस्म की अरबों रुपए की ट्रांजेक्शन हो रही हैं। अब तक ये पता चला है कि ओमनी ग्रुप जो है उसके
जो बैंक है उसके 7 अफराद पर ये 29 बैंक अकाउंट फर्जी चलाए जा रहे हैं। 29 ये जब आपको पता चलता है पैसा कहां कहां से आ रहा है भाई, ये ब्लैक मनी आ रही है, मलिक रियाज दे रहे हैं, उमेर दे रहा है, मैं दे रहा हूं, आप दे रहे हैं, इन अकाउंट्स में पार्क किया जा रहा था पैसा। इसके बाद एक जो मजे की चीज है ना आमिर साहब, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इनके ये बेनामी अकाउंट से पैसे किस किस को गए हैं, वो इंटरेस्टिंग वो ये है कि जरदारी ग्रुप को 3 करोड़ रुपए मुंतकिल हुए हैं, या एफआईए की इंक्वायरी रिपोर्ट कह रही है, द सिटीजन फाउंडेशन को 34 लाख हुए हैं, बिनामी अकाउंट से टंडू आपके अल्लाह यार शुगर मिल को 1 करोड़ हुए हैं, इन अकाउंट से जैली अकाउंट जो थे अंसारी शुगर मिल को 16 करोड़ रुपए हुए हैं, इससे चेंबर शुगर मिल को 22.5 करोड़ रुपए हुए हैं। इनिशियल जो रिपोर्ट है, ये मैं लास्ट बात कह दूं, वो ये कह रहे हैं आमिर साहब, जो रिपोर्ट भी है हमारे पास है, कि तकरीबन 35 बिलियन रुपीज का इसी तरीके से इन बैंक अकाउंट्स के जरिए ट्रांजैक्शन की गई है। ओमनी ग्रुप इसमें बरह रास मुलविस है। अनवर मजीद साहब लंदन बैठे हुए हैं, वो हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने चाहते हैं, हमने कोशिश की थी उनको ट्रेस करने की। इलेक्शन तो इसके बाद लाल साहब एक साइड की चीज लगता है, सारी गेम्स तो ये वाली हो रही है। लोग कहते हैं कि आपने पीपल्स पार्टी का आज मैनिफेस्टो आया, बाकी किसी की अच्छी बात है, तो आप उसको डिस्कस नहीं कर रहे, और वो आज वो बात कर रहे थे कि हारियों की और जनाब चीनी के काश्तकारों की बात कर रहे थे। भाई साहब ये चीनी के काश्तकार जो है ना आपके अपनी इंडस्ट्रीज हैं, आप ही पॉलिसी बनाने वाले हैं, ठीक है, और कुछ नहीं करें तो अपने काश्तकारों को जो है ना वो कर लें मैनिफेस्टो से बात, क्रेडिबिलिटी की बात है, तब गौर से सुनेंगे। लेफ्ट एंड राइट जो लोग बैठे हुए थे बिलावल साहब के दाएं बाएं जो है, उसके बाद क्या लोग क्रेडिट ले रहे थे उनका मुंह बंद हो जाना चाहिए। नहीं, क्रेडिट खैर हमें इसे नहीं, बल्कि हमें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कहा भी गया था कि आप जो जिस रिपोर्ट की बुनियाद पर आपने स्टोरी ब्रेक की है वो आप कोर्ट को वो पेश करें, हमें बकायदा आया था मैसेज उस पर। खैर चीफ जस्टिस साहब का शुक्रिया। एक चीज मैं इसमें थोड़ी सी क्लैरिफाई कर दूँ, मेरी बात हुई थी ये इनके समिट बैंक के जो यहाँ पे हैं उनके एग्जेक्टिव उनके यहाँ पे ये वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम आमिर अमल, उनसे बात हुई थी। थोड़ा सा एक मेरा ख्याल चीफ जस्टिस साहब को दो चार चीज़ें देखने की ज़रूरत है। ये स्कैंडल ब्रेक हुआ है कराची में एक ब्रांच का, इसमें 3 बैंक इन्वॉल्व है, इसमें सिंध बैंक भी है, इसमें समिट भी आ रहा है और इसमें UBL भी आ रहा है इसमें। सो फोकस सारा समिट पे आया है, सारा 3 अकाउंट्स वहाँ पे हुए हैं। आज जैसे पैसे इन्होंने, मेरा ख्याल FIA कुछ ज़्यादा ही थोड़ी सी वो कहते हैं ना ओवर रिएक्ट कर रही है, आज उन्होंने 7 अरब रुपया इनका फ्रीज करवा दिया है इसका समिट का। आपके बैंक में बहुत सारे यहाँ पे आपके लाखों आपके वो हैं कस्टमर्स हैं, आपके बिलियंस ऑफ रुपीज़ का लोगों का डिपॉजिट है, अब यकदम सारा रश पड़ा है, 2,500 स्टाफ है, इवन मेरा यहाँ पे कहने में हर्ज नहीं, मेरा अपना समिट बैंक में मेरा अपना अकाउंट है वहाँ पे। आप चीफ जस्टिस साहब हमारे अकाउंट्स पे जो आपके हमारे तो लीगल मनी है ना, जो हम आगे साबित भी कर सकते हैं, आपसे जब FIA वाले ये गलत फैसला करवा रहे, मैं समझता हूँ कि FIA ने गलत फैसला करवाया कि 7 बिलियन रुपीज़ आपने उनसे फ्रीज करवा दिए, एक अकाउंट है एक ब्रांच है वहाँ पे हैंडल करें, वहाँ पे जो अभी उन पे प्रोसीड करें, आप इसको फ्रीज करेंगे, चलते हुए बैंक को अगर आपने डैमेज करना है, बंद करना है, जहां पे हजारों नौकरियां जाएंगी, वहां डिपॉजिटर का रश पड़ा है, वहां पे पैसा लेने के लिए गए, आई होप कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं इसको क्रिमिनल वाइट कार क्राइम जो इन्वेस्टिगेशन है उसको जरा FIA जो है ना उसको भी जरा थोड़ा सा उसके परों पर पानी डालें, उतना ही वो काम करें जितना वहां पर आपकी ब्रांच में हुआ है। पूरे बैंक के पैसे आप डिपॉजिट जो है आप मेरा ख्याल है उनके साथ डिपॉजिटर के साथ ज्यादा कर रहे होंगे, आप जिनका पैसा बैंक में पड़ा हुआ है आप एक तरह के पैनिक सिचुएशन कर रहे हैं, एक ब्रांच का है, 3 बैंक इन्वॉल्व हैं, इनकी इन्वेस्टिगेशन वहां पे रखें और इस पे FIA पे इतना भी एतमाद ना करें। चीफ जस्टिस साहब आने वाले दिनों में कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूंगा, वो लोगों के लिए बमशेल होगा, बेंच बनाना पड़ेगा इसको करने के लिए, ठीक है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इससे मुतालिक मजीद फॉलो भी अपने देखने वालों को देंगे। हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।